Assalamualaikum guys, आज हमारे पास टॉपिक है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ECG। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम काउंट कर रहे होते हैं इसके अंदर। दूसरी डिफिनीशन इसकी क्या है कि रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम ECG के अंदर हार्ट की मसल्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को काउंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम ECG के अंदर क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। ECG के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि ECG के अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो ECG के अंदर हम ये चीज़ें हम देख रहे होते हैं। ECG के अंदर सबसे पहला जो हमारे पास है, सबसे पहला हम देखते हैं कि ECG के अंदर हम रेट देख रहे होते हैं और उसके रिदम देख रहे होते हैं। रेट और रिदम हम देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं कि साइज एंड पोजिशन ऑफ द हार्ट चैम्बर। ECG के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि हार्ट की जो है उसकी साइज कैसी है और उसके पोजीशन कैसा है, ये देख रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास है डैमेज ऑफ हार्ट मसल सेल। ये देख रहे होते हैं कि हम कि हार्ट की जो मसल्स की जो सेल्स है वो डैमेज कितने हैं, ये देख रहे होते हैं। चौथा हमारे पास है कंडक्शन सिस्टम। इसके अंदर हम कंडक्शन सिस्टम को देख रहे होते हैं कि आया ये जो हमारे पास बीट है हार्ट की, जो हार्ट बीट है, ये रिदम इसके रेगुलर है इररेगुलर है, ये देख रहे होते हैं। और चौथा जो हमारे पास है फंक्शन ऑफ इम्प्लांटेड फेस मेकर। हम ये देख रहे होते हैं कि जो हमने इम्प्लांटेड पेस मेकर है, जो किसी पेशेंट को अगर पेस मेकर लगा है तो वो पेस मेकर जो है किस तरीके से अपना फंक्शन अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब अगला जो हमारे पास है वो ये है कि रीज़न फॉर परफॉर्मिंग द ECG। क्या वजह है कि हम ECG को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस किस कंडीशन में, किस किस सिनेरियो के अंदर हम ECG को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है हार्ट अटैक। अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो सबसे पहले हम ECG करते हैं उस पेशेंट की। अगर किसी पेशेंट को, किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। दूसरा क्या है, अगर किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ECG कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास है हार्ट साउंड। अगर किसी के हार्ट साउंड कार्डियक मर्मर है, हार्ट साउंड के अंदर चेंजिंग आ रही है, थर्ड फोर्थ हार्ट साउंड के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे होते हैं, ECG करते हैं। आगे हमारे पास है कार्डिक डिसएरिथमियाज। अगर किसी की हार्ट बीट के अंदर इररेगुलर है या उसकी हार्ट बीट जो है रेगुलर से हट के इररेगुलर आ रही होती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। आगे है हमारे पास पेंडिंग एंड कोलैप्स। अगर कोई बंदा या कोई बंदी ही और शी जो भी हो, अगर वो कोलैप्स कर जाए, फेंटिंग की कंडीशन में आ जाए, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। अगर किसी को सीज़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पर्सन है उसको सीज़र्स के अटैक बार बार हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम फिर क्या करते हैं, ECG नहीं करते। लेकिन अगर किसी पेशेंट को या किसी बंदे को ही शी व्हाटएवर जो भी हो, अगर किसी को सीज़र का झटका आ जाता है, सीज़र आ जाता है फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटैक, तो उस कंडीशन में फिर हमारे लिए लाजमी होती है कि हम ECG उस बंदे का कर लें। ठीक है, आगे हमारे पास है इफ़ेक्ट ऑफ हार्ट मेडिकेशन। अगर कोई बंदा हार्ट के जो मेडिसन ले रहा है तो उसकी इफ़ेक्ट को हम देखने के लिए ECG करते हैं कि आया अगर कोई पेशेंट है वो जो है उसका इलाज चल रहा है और उसकी मेडिसन हम देख रहे होते हैं कि जो हम मेडिसन हमने दी है तो वो मेडिसिन कितना काम कर रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ECG भी करते हैं। जो हमारे पास आखिरी है इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस यहाँ लिखना था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट के इम्बेलेंस आ जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के हाई हो जाए जिसको हम हाइपर कहते हैं और किसी के अंदर लो हो जाए जिसको हम हाइपो कहते हैं, उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ECG करते हैं कि हाइपरकलीमिया है या हाइपर ग्लाइसीमिया है या हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपरकलीमिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ECG को परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तो था हमारे पास सबसे पहले टॉपिक ECG का।
और ECG के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हम कंडक्शन सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके अंदर हम और भी जाके आगे पढ़ेंगे। तो आपको जो जो चीज़ें ECG के अंदर समझ नहीं आती कमेंट्स में हमारे पास लिख के, ताकि उसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। और आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।